आज मैं मुख्यमंत्री नहीं, रोज भोपाल में भी मिलने आते हैं, सैकड़ों लोग के बीमार आते हैं, हाथ में आवेदन देता मामा पैसा नहीं है इलाज करवा दो, धन्यवाद और मजबूर हो जाता क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री नहीं। मेरे बहन और भाइयों को दर्द मुझे आज भी चैन से सोने नहीं देता, आराम से बैठने नहीं देता। मैं भी साधु भाग्य देता हूं, मामा भाग्य भाइयों की जोड़ी जल्दी जनता की तकलीफ दूर करेगी। सुना दो दिन पहले वो भी आए थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। इतने दिनों तक दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब छोटा चुनाव आ रहे हैं। लोकार्पण और मेरे बारे में क्या वो तो घोषणा था, घोषणा ही कोई कहा अरे कमलनाथ बताओ आगर वालों, आगर को जिला किसने बनाया? कमलनाथ तक आवाज आज किसने जिला बनाया? इस कलेक्ट्रेट भवन का इनका उद्घाटन किया कौन ने बनाई? पंचायत ऑफिस कौन ने बनाया? जिला पंचायत का वो अभ्यारण्य हमने बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? मेरे बहनों और भाइयों, अस्पताल में ट्रामा सेंटर किसने खोला? कुंडलिया डैम कौन ने बनाया? पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन ने खोला? कृषि विज्ञान केंद्र कौन ने खोला? बड़ौर में कॉलेज कौन ने खोला? आगर में फोर लाइन कौन ने बनाई? जिला न्यायालय का भवन कौन ने बनाया? आरटीओ का भवन कौन ने बनाया? सुन ली, अरे कमलनाथ पी रही तो घोषणा करते, जिसमें दवाई नहीं वो क्या घोषणा करते? कुछ लेना नहीं देना नहीं, मैं घोषणा नहीं करता, मैं घोषणा नहीं करता, बताया तो मुख्यमंत्री बन गया भैया। पहले घोषणा करते फिर पूरी करते, हमने भी आगर मैदान में आगर में कुछ जिला बना दी, घोषणा की थी बाद में पूरी कर दी। तुम करोगे क्या? पता नहीं कैसी सरकार चल रही है, ये सरकार है कि सरकार से समझ में नहीं आ रहा। इस सरकार में कलेक्टर थप्पड़ मार रही है, मंत्री अफसर के पांव पर गिर पड़ा सब इंजीनियर के, और हालत ये है कि पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन दारू की दुकान गली गली और घर घर में पहुंचाने की प्रस्ताव पास किया, दारू की वो दुकानें खोली जाएगी, और जिसको दारू का ठेका दिया वो ही घर का है दारू की दुकान कुछ पैसा देके खोल लेगा। क्या करना चाहता हूं कमलनाथ? क्या दारू पी के लोग मस्त हो जाए और तुम्हारी घोषणा याद ना रह पाए? ये गांव गांव में दारू की दुकान, बड़ा प्रेम है दारू से कमलनाथ, घूम बराबर घूम। मेरी बहनों, ऐसा मुख्यमंत्री जो कह रहा है कि महिलाओं के लिए दारू की अलग दुकानें खुलवाऊंगा, बताओ दुकानें खुलने दोगी क्या? बोलो मेरी बहनों, खुलने दोगी क्या? आज इस मंच से ऐलान कर रहा हूं, दारू तो बंदी कर दे। कमलनाथ खबरदार, अगर एक भी दारू की दुकान खोलने की कोशिश की तो मेरी बहने उस दुकानों को तहस नहस और ध्वस्त कर देगी, हम नहीं खोलने देंगे किसी को। क्या समझता तू? गांव-गांव में गली गली में दारू भी पाओगे, मेरे बच्चों की जिंदगी और भविष्य बर्बाद करोगे? बोलो, दारू की दुकान के साथ साथ बैठ के पीने का अहाता होना चाहिए, और कुछ याद नहीं है, अहाता बनाओ अहाता, और वहां लिखो उत्तम पीने की व्यवस्था।
क्या दिमाग पाया है तुम? कैसी सरकार मेरे बहनों और भाई? किसान को गेहूं का बोनस का पैसा दिया क्या? अरे जोर से बताओ, दिया क्या? देख लेना खाते में पैसा नहीं आएंगे, कागज कागज रह जाएगा। गरीबी की गरीबों की योजना बंद कर, लेकिन भोपाल में कर दौर में करवा रहे आईफा। कभी सुना ना आईफा का? अरे हमने तो बाबा बैजनाथ का सुना है, पर दल चढ़ाते प्रणाम करते भक्तिभाव में डूबते अलग भोले शंकर गले में नाग भयंकर कालों के काल ये महाकाल गया की एक नजर कर। हम तो ये गाते, लेकिन वो कह रहे आईफा सम्मेलन होगा, उसमें कौन आएंगे? हीरो आएंगे, हीरोइन आएंगी। बहारो फूल बरसाओ। कहां पर प्रदेश को ले जाना चाहते हो? विकास के लिए धन नहीं है, ये जब करके सारी योजना बंद कर दी तो क्या? मेरी बहनों मुझे तकलीफ होती है, संभल हो काम ना बनाई ताकि गरीब निम्न मध्यम वर्ग भी उसकी जिंदगी की गाड़ी भी ढंग से चल सके, गरीब का पेट भर सके। क्या था कि मेरी गरीब बहन का बेटी को जन्म देंगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपए डालूंगा खाते में, ताकि गरीब बहनों के घर के लड्डू बन जाए। अब मिल रहेगा वो 16,000 रुपए, बताओ? योजना बन। मेरे भाई भाइयों को जो गरीब है किसी भी जाति धर्म के हो, उनका फीस भरवाने का फैसला किया था। अब बच्चों की फीस कहीं भरा पा रही, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, एक एक सवा सवा साल से मेरे बेटा बेटियों को छात्रवृत्ति नहीं थी, बेईमान सरकार ने स्कॉलरशिप नहीं थी, बेईमान सरकार ने भागे बच्चों का पैसा। मेरे भांजे भांजी 12वीं का अच्छा नंबर लाते थे तो मामाओं को कंप्यूटर लैपटॉप दिलवाता था, वो लैपटॉप देना बंद, स्मार्टफोन फर्स्ट ईयर में डालते थे। मेरे गरीब भांजे भांजे को भी स्मार्टफोन मिल जाए, इसलिए नहीं कि हेलो हाय हाउ डू यू डू करना है, बल्कि इसलिए कि दुनिया का पूरा ज्ञान उनकी उंगली के नीचे हो। वो स्मार्टफोन बंद कर दिए, गरीब बेटा बेटी अच्छे नंबर लाए तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, IIT, लाखों रुपया फीस लगती है। बच्चे आए तो मामा कहां से भरे? मैं क्या चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएगा, शिवराज सिंह तो हम उन बच्चों की फीस भरवाते थे, वो फीस भरवाना बंद कर दिया। हमने तय किया था कि गरीबों के घर में भी बिजली लगातार चलती रहे, ये सस्ती बिजली हमने व्यवस्था की थी 200 रुपया, इनमें बड़े जोश का वक्त है कि हम हाफ कर देंगे बिजली का बिल। अब जगह जगह जनता मिल गई, मर गए मामा, मर गए मामा, क्या हो गया? बोले बिजली का बिल, बोले बिजली का बिल करंट मार रहा है आजकल, हजारों रुपया महीना गरीब बिजली का बिल कहां से देगा? हमने गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के नाम राशन का राशन मिल जाए इसकी गरीबी रेखा में जोड़े। मेरे बहनों और भाइयों, ये सब नाम काटने की साजिश ये सरकार कर रही है। गरीबों के नाम ही काट दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, देने नहीं पड़ेगा राशन। और सुनो कमलनाथ, अगर गरीबी रेखा से गरीबों के नाम काटे तो तेरी सरकार की ईंट से ईंट बजाकर रख देंगे। किसानों की सारी योजनाएं बंद। ईमानदारी से बताना, मामा आप तक मुख्यमंत्री होता तो कितने बार पैसा खाते में डाल देता थे।
कोला का ले लो, काला का ले लो, सूखा का ले लो। और कई जगह तो ऐसा होता था, एक बार किसान आए मेरे पास, मामा हमें पैसा नहीं मिला। तो मैंने अफसरों से पूछा, बोलने इनका नुकसान बहुत ही कम हुआ है, हुआ ही नहीं है। तुम्हें क्या तुम्हारे यहाँ तो हुआ ही नहीं? बोले मामा उनके यहाँ नहीं हुआ तो उनको भी मिल गया, तो हमें भी दे दो। उनका तुम भी दे गया। राम की चिड़ैय है, राम को खेत खाओ, ये चिड़ैय है भर भर पेट। हर महीने वही देखते देखकर कहा कि कोल जो आती पास बुक